दोस्तों आज के डेट में जीमेल का इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, हर जगह जीमेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों जीमेल में ही कुछ ऐसे फीचर हैं जिनके बारे में या तो हम नहीं जानते या फिर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जीमेल के कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। नमस्कार आप दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीमेल के उस यूजफुल फीचर के बारे में, जो कि जीमेल में आ तो बहुत पहले गया था लेकिन लोग अभी भी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ईमेल शेड्यूलिंग फीचर के बारे में। जब भी दोस्तों आपको कोई मेल भेजना होता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ता है। इवन आपने किसी भी मेल को ड्राफ्ट करके रखा है तो उस मेल को भी भेजने के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्री टाइम में किसी भी ईमेल को ड्राफ्ट करके शेड्यूल कर सकते हैं। जिस भी बंदे को जिस डेट और जिस टाइम पे भेजना है, उस डेट और उस टाइम पे अपने ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। उस बंदे को उसी डेट और उसी टाइम पे वो ईमेल ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ अपने जीमेल को ओपन करना है। कंपोज पे क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ईमेल को तैयार कर लेना है, यानी कि ड्राफ्ट मेल को तैयार कर लेना है। आपको यहाँ पे मैटर, सब्जेक्ट और ईमेल आईडी डालना है। ये सब तैयार करने के बाद से जनरली जब आपको ईमेल भेजना होता है तो ये सब तैयार करके सिंपल आप सेंड पे क्लिक करते हो और वो ईमेल चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपको शेड्यूलिंग करना है। तो शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे देखिए सेंड के बगल में ही आपको एक रेडियो बटन दिखेगा डाउन एरो की, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और शेड्यूलिंग का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे का पूरा टाइम और डेट आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको इस ईमेल को किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम पे शेड्यूल करना है तो उसके लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा पिक डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करना है। अब यहां से आपको किसी भी डेट को, जिस डेट को आपको शेड्यूल करना है वो डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टाइम देना है और सिंपल आपको यहाँ पे शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर देना है। वो ईमेल आपका उस डेट और उस टाइम पे शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूलिंग देखने के लिए अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए एक नया लेवल तैयार हो जाएगा शेड्यूल के नाम से। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका शेड्यूल किया हुआ यहाँ पे ईमेल आपको दिख जाएगा। मैंने इसको शेड्यूल किया है 15 अप्रैल को 4:30 पे। 15 अप्रैल को 4:30 पे ये ऑटोमेटिक उस बंदे को सेंड हो जाएगा, मुझे ऑनलाइन आने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जीमेल के एक और ऐसे ही बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में, जिसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। और इस फीचर का नाम है दोस्तों कॉन्फिडेंशियल मोड। अगर दोस्तों आप किसी को कोई बहुत ही सेंसिटिव ईमेल भेज रहे हैं जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो और आप चाहते हैं कि आपके ईमेल को कुछ सिलेक्टेड लोग ही देख पाएं और भेजे हुए ईमेल को ना ही कोई फॉरवर्ड कर पाए, ना ही कॉपी कर पाए, ना ही डाउनलोड कर पाए और ना ही उस ईमेल को कोई प्रिंट ले पाए, तो यहाँ पे दोस्तों आप कॉन्फिडेंशियल मोड फीचर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से इवन आप जिस बंदे को वो ईमेल भेज रहे हैं वो बंदा भी आपके ईमेल को ना ही फॉरवर्ड कर पाएगा, ना ही कॉपी कर पाएगा, ना ही डाउनलोड कर पाएगा और ना ही प्रिंट ले पाएगा। इवन यहाँ पे आप अपने ईमेल पे एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं कि आपका ईमेल उस बंदे के इनबॉक्स से इस डेट को ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। तो इस फीचर का दोस्तों यूज करने के लिए यहाँ पे आपको फिर से अपने जीमेल को ओपन करना है और अपने ड्राफ्ट मेल को यहाँ पे तैयार कर लेना है। मेल तैयार करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, इसी के बगल में आपको ये लॉक का आइकन मिलेगा, टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन और ऑफ, आपको इस पे क्लिक करना है। ये कॉन्फिडेंशियल मोड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर ही लिखा है रेसिपिएंट्स वॉन्ट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। इवन आप जिस बंदे को ये ईमेल भेज रहे हैं उस बंदे को ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि वो आपके मेल को फॉरवर्ड करे, कॉपी, प्रिंट या फिर डाउनलोड करे। तो यहाँ पे ऊपर दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है, इस रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको 1 दिन से लेकर 5 साल तक का टाइम मिलता है, इसमें से आप अपने हिसाब से एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे नीचे देखिए आपको पासपोर्ट का ऑप्शन मिलता है।
आप चाहें तो नो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएमएस पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद से सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस बंदे का मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद से ये मेल सेंड हो जाएगा। जैसे ही वो बंदा आपके मेल को रिसीव करेगा, उसके मेल में वहां पे आप उसको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड पासवर्ड, उसका एक बटन मिलेगा वहां पे मेल में, वो उस पर क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पे गूगल एक कोड भेजेगा। जब वो कोड डालेगा वहां पे तभी वो उस ईमेल को ओपन कर पाएगा, अदरवाइज वो उस ईमेल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे एसएमएस पासवर्ड को सिलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मैंने सेंड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है जिस बंदे को मैं ये ईमेल भेज रहा हूं, तो यहाँ पे चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डालने के बाद से दोस्तों आपको सिंपल यहाँ सेंड पे क्लिक कर देना है और ये ईमेल उस बंदे को चला जाएगा। जैसे ही वो बंदा इस ईमेल को रिसीव करेगा वहां पे उसको सेंड पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, गूगल की तरफ से कोड जाएगा, वो कोड डालेगा तभी वो इस ईमेल को ओपन कर पाएगा। और अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जीमेल के तीसरे बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में, जो कि जीमेल में काफी टाइम से है लेकिन लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेल भेजने के कुछ ही सेकंड में ये फीचर डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज अनडू सेंड टाइमिंग का। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उस मेल में कुछ गलतियां हो जाती है या फिर आप गलत कॉन्टेक्ट को मेल भेज देते हैं और मेल भेजने के कुछ टाइम के बाद से आपको समझ में आता है कि उस मेल में मैंने ये गलती कर दी है या फिर गलत कॉन्टेक्ट को भेज दिया है और आप उस मेल को अंडू नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम एक्सपायर हो गया होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अंडू टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट टॉप में देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये गियर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग का पेज ओपन होगा और यहाँ जनरल के अंदर ही यहाँ पे देखिए अंडू सेंड का ऑप्शन मिलेगा और इसके सामने आपको होगा 5 सेकंड, आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और यहां से आपको मैक्सिमम कर देना है, इसको 30 सेकंड कर देना है। यहां पे 30 सेकंड करने के बाद नीचे आना है और फिर आपको यहां पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपने जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस यहां पे सेव हो जाएगा। ये चेंजेस सेव हो जाने के बाद से आप जब भी कोई मेल भेजेंगे और उसमें कोई भी अगर आपसे गलती हो जाती है तो उस मेल को आप 30 सेकंड के अंदर अंदर अंडू कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए मेरे ड्राफ्ट में एक मेल पड़ा हुआ है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूं यहां पे और इस मेल को देखिए मैं दोस्तों यहां से भेजता हूं। ठीक है, ये मेल मैंने भेजा और भेजने के बाद मेरे को लगा कि उसमें मैंने कुछ यहां पे गलती कर दिया है तो भेजने के 30 सेकंड के अंदर अंदर ही यहां पे देखिए ये जो अंडू का आपको ऑप्शन दिख रहा है ये 30 सेकंड तक यहीं पे रहेगा। 30 सेकंड के अंदर ही आप इस अंडू पे क्लिक करके उस ईमेल को वापस पा सकते हैं और वो देखिए वापस यहाँ पे आपको ड्राफ्ट में आ जाएगा। तो ये तीनों फीचर दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।